वर्जिन ग्रुप के मालिक और दुनिया के फेमस एंटरप्रेन्योर रिचर्ड ब्रांसन ने एक बार कहा था कि अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हो तो बिलियन डॉलर से शुरुआत करो और एक नई एयरलाइंस स्टार्ट करो। लेकिन उनकी इन बातों का मतलब कुछ और था। उन्होंने ये सब बातें कहकर लोगों को एयरलाइंस बिजनेस के फेलियर को समझाना चाहते थे, क्योंकि एयरलाइंस बिजनेस बहुत एक्सपेंसिव है जिसे आप और मैं स्टार्ट नहीं कर सकते। एयरप्लेन्स की कीमत मिलियंस में है, लेबर कॉस्ट बहुत ही हाई है और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ऑयल की प्राइस में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई तो बस आपकी बिजनेस एकदम से डाउन चली जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एविएशन बिजनेस में ऑयल प्राइस आपके टोटल रेवेन्यू का 30-40% खा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बोइंग 747 प्लेन हर सेकंड 4 लीटर के आसपास फ्यूल यूज करता है। तो अगर आप इस प्लेन में मुंबई से लंदन जा रहे हो तो सिर्फ इस 10 घंटे के लिए उस प्लेन को 1.5 लाख लीटर ऑयल की जरूरत होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी घटना के चलते ऑयल की प्राइस 30% तक बढ़ जाती है तो जब तक आप टिकट की प्राइस नहीं बढ़ाते हो तब तक आपकी लॉसेस होती रहेगी और इतना लॉस होगा कि आपकी बिजनेस तक बंद हो सकती है। इसलिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में कई मशहूर एयरलाइंस को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, किसी को फ्यूल प्राइसेस के चलते तो किसी को लॉसेस के कारण। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहाँ किंगफिशर एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया कार्गो समेत 50 से भी ज्यादा एयरलाइंस को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जहाँ दुनिया भर में एयरलाइंस बिजनेस स्ट्रगल कर रही है वहीं पर दुबई कुछ ऐसा कर रही है कि इसकी लेजेंडरी एयरलाइन एयर एमिरेट्स अपने पिछले 38 साल की एयरलाइंस बिजनेस में 35 साल प्रॉफिट किया है। यहाँ तक सिर्फ बीते कुछ सालों में दुबई एयरलाइंस में पैसेंजर नंबर 123% तक बढ़ी है, जिससे इसके प्रॉफिट में 81% की बढ़ोतरी देखी गई है और इसने सिर्फ 2022 में $3 बिलियन की रिकॉर्ड प्रॉफिट करी। तो आखिर दुबई ऐसा क्या गेम खेल रही है कि इसकी एयरलाइंस इतनी प्रॉफिटेबल है? क्या है एयर एमिरेट्स की स्टोरी और इससे आप क्या सीख सकते हो? इन सभी चीजों के बारे में आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो ये पूरा स्टोरी शुरू होती है लेट 1960s में, जब दुबई में ऑयल की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस समय दुबई पर्ल ट्रेडिंग करके पैसा कमाता था। इस समय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स न्यूली फॉर्म्ड हुआ था और दुबई मिडिल ईस्ट के खाड़ी के पास बसा सिर्फ एक फिशिंग टाउन था। मतलब आज से सिर्फ 60 साल पहले दुबई ऊँटों के ऊपर सवारी करता हुआ कुछ लोगों के घर और एक रेगिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने दुबई के फ्यूचर को ही बदल डाला। The first offshore well was drilled in the Umm Shaif field of Abu Dhabi, carrying Abu Dhabi's first ever cargo of oil. That the first shipment of crude oil for the world market was exported on the British signal in 1962. इस समय मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में लाखों करोड़ों लीटर ऑयल की डिस्कवरी होती है और वहाँ के लोगों को यह रियलाइज होता है कि वो तो गोल्ड माइन के ऊपर बसा है। इसके बाद जैसे जैसे ऑयल की डिमांड और प्राइस बढ़ती गई, बिलियंस ऑफ डॉलर दुबई की ओर आने लगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स न्यूली फॉर्म्ड हुआ था, जो कि आज 7 एमिरेट्स का एक संघ है, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमेल क्वेन, फुजीरा और रसल खेमा शामिल है। मतलब भारत में जैसे 28 राज्य है वैसे ही यूएई में 7 एमिरेट्स है। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि जहाँ भारत के सभी राज्य खुद से कुछ काम नहीं कर सकती, मतलब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर काम करना होता है, वहीं पर यूएई जैसे एक फेडरेशन में एमिरेट्स इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, जिसको एक राजा या कहे तो एमिर के द्वारा रूल किया जाता है। अब जब मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश अपने तेल के पैसों को कुछ सोचे समझे बिना ही खर्च करने लगे, वहीं पर दुबई के रूलर ने कुछ अलग किया, क्योंकि उनको पता था कि दुबई के पास ऑयल तो है लेकिन यह सिर्फ आने वाला 50 सालों तक ही टिक पाएगी। और इस टाइम के अंदर अंदर अगर दुबई पैसों के कोई अल्टरनेट सोर्स को नहीं खोज पाया तो यह फिर से एक गरीब देश बन जाएगी। इसलिए दुबई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक्सपर्ट्स हायर करे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ज्यादातर लोगों ने उन्हें एक ही बात कही और वह दुबई की खुद की एयरलाइंस स्टार्ट करना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग दुबई की लोकेशन की इम्पोर्टेंस को समझ पाए थे। अगर आप मैप पे देखोगे तो दुबई एक ऐसी लोकेशन पे बसा है जो कि दुनिया के 5 बिलियन पॉपुलेशन से महज 8 घंटे की फ्लाइट डिस्टेंस पे है, और इस 5 बिलियन पॉपुलेशन में से ज्यादातर दुनिया के कुछ फास्टेस्ट ग्रोइंग देशों में से है, जैसे कि इंडिया, चाइना, अफ्रीका, यहाँ तक यूरोप के कुछ डेवलप्ड देश। आसान शब्दों में अगर कहे तो दुबई एशियन इकोनॉमी जैसे कि इंडिया और चाइना के साथ अफ्रीका, यूरोप के साथ साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ तक भारत के साथ नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। इसलिए दुबई की इस लोकेशन को देखते हुए उस शेख ने तुरंत इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने इस टीम के सामने 2 मेन कंडीशंस रखी। नंबर 1, अगर दुबई के पास एक एयरलाइंस होगा तो यह दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला होगा। और नंबर 2, एयरलाइंस को दिए गए $10 मिलियन के अलावा सरकार से उनको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो कंपनी अगर इन कंडीशंस के साथ प्रॉफिट कर सकती है तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकती तो दुबई में कोई भी एयरलाइंस नहीं होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुबई के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी दुबई सरकार ने एक भी प्लेन नहीं खरीदा। इसके बदले उन्होंने व्हाइट लीजिंग नाम के एक कंसेप्ट अपनाई और पाकिस्तान से एयरक्राफ्ट खरीदा। अब व्हाइट लीजिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दें, ये एविएशन बिजनेस का एक किराया सिस्टम है जहाँ पर एक एयरलाइंस जो कि छोटा है वो दूसरे किसी एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट, क्रू मेंबर्स और
मेंटेनेंस देती है, जिसके बदले में वो दूसरा वाला पहले वाले को पर ऑपरेटेड आवर के बेस पे पैसा देती है। इस चीज को आइए आसानी से समझते हैं। मान लो कि आपका एक दुकान है, लेकिन उस दुकान में ठीक ठाक सेल्स नहीं हो रहा है और आपको प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस हो रही है। अब आपने उस दुकान को किसी एक बड़े मालिक को 10 साल के लिए लीज पे दे देते हो, जिसके बदले में वो आपको हर साल 2 लाख रुपए देगा। अब आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं, क्योंकि पहले तो आपकी सेल्स ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब उस दुकान में चाहे सेल्स हो या फिर ना हो, आपको हर साल 2 लाख रुपए मिलती रहेगी। इससे आपका भी फायदा और जिसने ये दुकान आपसे खरीदा उसका भी फायदा, क्योंकि वो आपकी दुकान को एक स्टोर की तरह यूज कर सकता है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया एयर एमिरेट्स ने। उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से 2 एयरक्राफ्ट, एक बोइंग 737 और एक एयरबस A300 लीज पे लिया। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, वहाँ पर एयर एमिरेट्स ने सिर्फ कुछ ही सालों में कैसे दुनिया भर के बड़े एयरलाइंस जैसे कि यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और चाइना एयरलाइंस आदि को टक्कर दे रही है। तो इसका पहला जवाब है उनकी लेबर मैनेजमेंट। अगर आप पिछले 3 सालों के चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जहाँ एयर एमिरेट्स की एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट उनकी टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 21.6% है, वहीं पर यूनाइटेड एयरलाइंस का है 42% और ब्रिटिश एयरवेज का है 33.8%। मतलब आप क्लियरली देख सकते हो कि दूसरे एयरलाइंस के मुकाबले एयर एमिरेट्स की लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है, और इसके साथ साथ ही एयर एमिरेट्स में लेबर स्ट्राइक ना के बराबर है, जिसकी वजह से इनके फ्लाइट्स बहुत कम ही कैंसिल होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप यूरोपियन एयरलाइंस जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज या फिर ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर लेबर और पायलट स्ट्राइक्स के कारण अक्सर फ्लाइट्स डिले या फिर कैंसिल हो जाती है। Because union members called a 3-day strike over pay and conditions, so all flights were cancelled. Germany's largest airport almost deserted, and over 2,000 flights cancelled across the country. So more than 1,000 flights across Italy have been cancelled in the midst of the country's peak tourist season. अब इन स्ट्राइक्स की वजह से एक तरफ जहां कंपनीज को भारी लॉसेस होती है, वैसे उस पर्टिकुलर एयरलाइंस के ऊपर लोगों की भरोसा कम हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली उसका नंबर ऑफ पैसेंजर्स घट जाता है। लेकिन इसके उलट दुबई ने बहुत ही चालाकी से लेबर स्ट्राइक्स को ही हटवा दिया, क्योंकि एक तो यूएई ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, मतलब एक तरीके से उन्होंने लेबर स्ट्राइक्स को ही देश में बैन कर दिया। दूसरा, एमिरेट्स 160 से भी ज्यादा देशों से अपने एम्प्लॉयज को हायर करता है, और इसी डाइवर्सिटी के कारण वहां पर स्ट्राइक्स करना बहुत ही मुश्किल है। और तीसरा, एमिरेट्स अपने एम्प्लॉयज के साथ कुछ समय लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। अगर इस टाइम पीरियड के दौरान अगर किसी भी एम्प्लॉय ने कोई भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश किया, तब या तो उसकी जेल होगी या फिर उसे काम से ही निकाल दिया जाएगा। मतलब जहां एक तरफ उन्होंने सख्त नियमें बनाई, वहीं पर दूसरे तरफ अपने एम्प्लॉयज को टैक्स फ्री सैलरी, एक अच्छा घर और दूसरे फैसिलिटीज भी दिया, जिससे वो लोग किसी भी तरीके की क्योस ना पैदा करे। यही कारण है कि एमिरेट्स के एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा नहीं है और उनकी ऑपरेशंस भी डिसरप्ट नहीं होती। तो इसका दूसरा रीजन है उनकी फ्यूल स्ट्रेटजी। पहले तो यूएई खुद ही एक तेल का भंडार है, जिसकी वजह से उनके ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है। और दूसरा कि एमिरेट्स बहुत ही चतुराई से ऑयल के प्राइस को कांस्टेंट रखता है। इसके लिए ये लोग फ्यूल हेजिंग नाम की एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अब इस फ्यूल हेजिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दें, ये एक टाइप की इंश्योरेंस है जो कि एक एयरलाइंस और एक ऑयल कंपनी के बीच साइन किया जाता है। मान लो कि आज ऑयल की प्राइस $30 पर बैरल है, लेकिन कल किसी घटना के चलते अगर ये $60 पर बैरल पहुंच गई तो एयरलाइंस को अचानक से लॉसेस होते रहेगी। लेकिन इस फ्यूल हेजिंग में एयरलाइन कंपनीज पहले से ही ऑयल कंपनीज को एक्स्ट्रा पैसे देती है, ताकि कल अगर ऑयल की प्राइस $80 तक भी पहुंच जाए ना, तब भी उनको उसी प्राइस पर ऑयल मिलती रहेगी जो कि पहले मिलती थी। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एमिरेट्स एक तरीके से ऑयल प्राइस से जुड़ा सारा का सारा प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। इससे उनको 2 फायदा हुआ, एक तो अगर कल ऑयल की प्राइस 10 गुना भी बढ़ जाए तब भी उनको डिस्काउंट पे ऑयल मिलती रहेगी, और दूसरा क्योंकि एमिरेट्स को पता है कि ऑयल की प्राइस कांस्टेंट ही रहेगी तो आराम से अपनी मार्केटिंग पे खर्च कर सकती है। और यहाँ पर तीसरा रीजन है फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि आपको शायद पता है कि कार, एरोप्लेन ये सब जितने पुराने होते जाते हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी ही कम होती रहती है। मतलब उनको रन करने के लिए पहले जितनी फ्यूल लगती थी, समय के साथ साथ ये क्वांटिटी बढ़ता है। अब एयर एमिरेट्स की एवरेज फ्लीट एज है सिर्फ 9.8 ईयर्स, मतलब एयर एमिरेट्स की एक प्लेन एवरेज इतने सालों तक सर्विस देती है, जो कि यूनाइटेड एयरलाइंस के केस में है 16.4 ईयर्स और ब्रिटिश एयरवेज का है 13.9 ईयर्स। तो आप देख सकते हो कि इससे उनके फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाता है और अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुबई की टूरिज्म एमिरेट्स की ग्रोथ के पीछे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे जैसे दुबई में टूरिस्ट की नंबर बढ़ती रहती है, वैसे ही एमिरेट्स का प्रॉफिट बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे एमिरेट्स की नंबर ऑफ
पैसेंजर बढ़ता है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि तेल के पैसों को सटीक तरीके से इस्तेमाल करके, अपने फ्यूल को हेजिंग करके, लेबर स्ट्राइक्स को बंद करके और दुबई के टूरिज्म के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना के एयर एमिरेट्स पूरी दुनिया भर में एक प्रॉफिटेबल और एक लेजेंडरी एयरलाइंस बन के उभरा। तो दोस्तों यह थी एयर एमिरेट्स की दिलचस्प कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आप जानना चाहते हो कि एक स्कैम कॉल सेंटर कैसे काम करता है तो इस वीडियो में क्लिक करो।